हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से अब स्टार्ट होने वाली है एक नए सेशन में। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं कि आज की इस क्लास में हम क्या आपको पढ़ाने वाले हैं, आप क्या पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपके कुछ सिलेबस रिड्यूस हुए थे पिछले साल और इस बार रिड्यूस नहीं हुए हैं। जो पिछली बार कम हुए थे बस वही सिलेबस आगे भी कंटिन्यू करना है। तो पहले चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो पहला चैप्टर है पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में हम बात करेंगे। तो क्या आपने कभी सोचा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यानी कि लैंगिक जनन होता है वो पुष्पीय पादप में ही क्यों होता है? या फिर आपने ये सोचा कि कौन से पादप ऐसे हैं जिसमें पुष्प लगता है या पुष्प है क्या? कभी ऐसा सोचा, कभी ऐसा क्वेश्चन उठा? नहीं उठाना। चलिए अगर हम बात करते हैं कि ये जो आपका लैंगिक जनन है वो पुष्पीय पादप में ही क्यों होता है, व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन फ्लावरिंग प्लांट, या फिर हम कह सकते हैं कि किस प्लांट के पास फ्लावर होता है। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में क्यों होता है और कौन से प्लांट ऐसे हैं जो फ्लावर को बियर किए रहते हैं, पुष्प को धारण किए रहते हैं। चलिए तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अपने अध्याय का नाम डालते हैं तो अध्याय है पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन, जिसको हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, इसकी बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से प्लांट के पास फ्लावर होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं संपूर्ण जो आपके प्लांट होते हैं यानी कि जो आपके पादप होते हैं इनको बांटा गया है पांच भागों में, उनके कुछ लक्षणों के आधार पर, कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पर। पहले अगर हम बात करते हैं वो कैरेक्टर्स जो हैं जिसके आधार पर इन्हें बांटा गया है पांच भागों में, तो वो कैरेक्टर्स ये हैं कि उनमें जड़ कैसा है, तना, पत्ती, बीज, पुष्प, ये सभी पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, प्रेजेंस है या अब्सेंस है, उसके बेसिस पर इन्हें पांच भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं इस पादप जगत को हम पांच भागों में बांटते हैं और पांच भागों में क्या क्या है। नंबर एक पर अगर हम बात करते हैं तो शैवाल, जिसको हम एल्गी कहते हैं, ब्रायोफाइटा, पेरिडोफाइटा, अनावृतबीजी, जिसको हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं, और आखिर का जो है वो आपका आवृतबीजी है, जिसको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई कि जो पादप है यानी कि प्लांट है उसको पांच भागों में बांटा गया है, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृतबीजी, आवृतबीजी, ये पांच भाग हो गए। अब अगर हम बात करते हैं इनके कैरेक्टर्स की, क्या क्या कैरेक्टर्स देखे गए हैं, बेसिकली जो कैरेक्टर्स देखे गए हैं, सामान्य रूप से जो लक्षण देखे गए हैं जिस आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांटा गया, वो ये है कि अगर हम बात करते हैं एल्गी में, शैवाल में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जड़, तना, थोड़ा सा बड़ा लिखूं, जड़, तना, पत्ती यानी कि बात करते हैं रूट, स्टेम, लीव्स, सबके सब क्या है, अब
एब्सेंट है। ठीक है, इनकी बॉडी जो होती है वो थैलस के आकार की थायलॉइड होती है, तो इनमें जड़ तना पत्ती का पता नहीं चलता, रूट स्टेम लीफ कोई भी पता नहीं चलता। आगे अगर हम चलते हैं ब्रायोफाइट की बात करते हैं, तो ब्रायोफाइट में क्या होता है, ब्रायोफाइट में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी क्या है, जड़ तना पत्ती बीज और पुष्प ये सभी अनुपस्थित होते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अगर हम बात करते हैं जो आपके तना और पत्ती होते हैं यानी कि स्टेम और लीव्स जो होते हैं वो तो अब्सेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। लेकिन अगर हम आगे इसी में बताते हैं तो जो जड़ होते हैं यानी कि रूट जो होते हैं ना वो मूलाभास होते हैं, राइजोइड्स होते हैं। ठीक है, जड़ क्या है, मूलाभास, राइजोइड्स हैं आपके रूट। आगे अगर हम बात करते हैं टेरिडोफाइटा की बात करते हैं, तो देखो भाई टेरिडोफाइटा में जड़ तना पत्ती सब कुछ स्पष्ट होती है, सब कुछ लीफ स्टेम रूट सब कुछ क्लियरली आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये रूट है, ये स्टेम है, ये लीफ है। बट यहां पर प्रॉब्लम ये है कि इसके पास ना तो सीड लगती है और ना ही फ्लावर होता है, ना तो बीज होता है ना ही पुष्प होता है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं टेरिडोफाइटा में, तो टेरिडोफाइटा में हम बात करते हैं जड़ तना पत्ती सब स्पष्ट होती है, ना ऑल रूट स्टेम एंड लीफ, ऑल रूट स्टेम एंड लीफ आर क्लियर। ठीक है, सब कुछ क्लियर होता है। अब अगर हम बात करते हैं बेटा अनावृत बीजी, जिसको हम एंजियोस्पर्म नहीं बल्कि जिम्नोस्पर्म कहते हैं, तो जिम्नोस्पर्म में अगर हम बात करते हैं क्या होता है, देखो यहां पर जो आपके जड़ तना पत्ती तो है लेकिन इनके अलावा भी इसमें कुछ विशेष कैरेक्टर्स डेवलप्ड हो जाते हैं, कुछ विशेष प्रकार के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो अगर इसी बात में हम आगे जुड़े तो जो आपके आवृत बीजी होते हैं वो अनावृत बीजी से काफी ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, यानी कि बात करते हैं जो आपके जिम्नोस्पर्म होते हैं ना, जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म होते हैं वो काफी ज्यादा विकसित होते हैं, डेवलप्ड होते हैं। तो कैसे विकसित होते हैं उसको जानने के लिए हमको तो उसका कैरेक्टर जानना पड़ेगा ना। तो अगर हम बात करते हैं जो आपके जिम्नोस्पर्म है इसके कैरेक्टर्स की बात करते हैं, तो जिम्नोस्पर्म में क्या होती है भाई, जड़ तना पत्ती बीज पाए जाते हैं। ठीक, हम इसी बात को लिख सकते हैं कि सीड स्टेम रूट लीफ या लीफ्स कह सकते हैं, उल्टा हो गया क्या, रूट स्टेम लीफ एंड सीड आर प्रेजेंट, ये सभी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं आपके आवृतबीजी पादप में क्या होता है, देखिए आवृतबीजी पादप यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करते हैं तो देखिए अगर आप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, शैवाल से आप आवृतबीजी की ओर आएंगे यानी कि एलगी से एंजियोस्पर्म की ओर आएंगे, तो थोड़े थोड़े लक्षण जो आपके डेवलप्ड दिखाई देते होंगे। तो आवृतबीजी की बात करते हैं, देखो बेटा आवृतबीजी में हम बात करते हैं तो यहां पर जड़ भी पाया जाता है, तना भी पाया जाता है, पत्ता भी पाया जाता है, बीज भी पाया जाता है और फूल यानी कि पुष्प भी पाया जाता है, पाए जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि इस आपके एंजियोस्पर्म में क्या होता है भाई, स्टेम भी पाया जाता है, रूट भी पाया जाता है, लीव्स भी पाए जाते हैं, सीड भी पाए जाते हैं और फ्लावर भी पाए जाते हैं, फ्लावर भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आप नोटिस करेंगे, ध्यान देंगे कि शैवाल में भी फ्लावर है, नहीं है, ब्रायोफाइटा में फ्लावर है, नहीं है,
एंडोफाइटम फ्लावर है? नहीं है। जिम्नोस्पर्म में फ्लावर है? नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म में, तो एंजियोस्पर्म में आप नोटिस करेंगे, ध्यान देंगे, तो यहां पर क्या है? फ्लावर है, पुष्प है। यहां पर क्या है? फ्लावर है। तो अभी तो आपको यह पता चल गया कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो कौन से होते हैं। तो अभी आपको एकदम क्लियर हो गया कि फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं आपके एंजियोस्पर्म यानी कि आवृतबीजी होते हैं, और आवृतबीजी पौधे में क्या होता है? पुष्प लगता है। इतना क्लियर हुआ? चलिए, तो अभी अगर आप ध्यान देंगे तो इस जो चैप्टर का नाम हमने डाला है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं ना, तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को एक और नाम से हम जान सकते हैं। क्या जान सकते हैं? कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। क्या कह सकते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। और इसी चैप्टर को एक और नाम से हम जान सकते हैं, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। बात समझ में आई? छोटी छोटी पॉइंट्स को आप अगर ध्यान रखेंगे तो आप बहुत ही आगे निकल सकते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप फटाक से इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको कुछ और भी अलग पॉइंट बताता हूं, थोड़ा सा एनसीईआरटी से हटके, फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी की ओर चलेंगे। चलिए, अभी हमने क्या कहा कि आपको जो आपके आवृतबीजी पादप होते हैं यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसमें पुष्प पाया जाता है, तो उसके बेसिस पर हम इस चैप्टर को एक और नाम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं ना? तो हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ये कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, यानी कि आवृतबीजी पादप में लैंगिक जन्म कह सकते हैं। कह सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ही तो फ्लावर पाया गया, पुष्प पाया गया। इस चैप्टर को एक और नाम दे सकते हैं, ठीक है, इस चैप्टर को हम नाम दे सकते हैं एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। इसका मतलब क्या होता है? कि आवृतबीजी पादप का भ्रूण, ठीक है, भ्रूण का विकास, नाम तो सुना होगा, तो उसका मतलब होता है एम्ब्रियोलॉजी। तो हमने इन चैप्टर को, इस एक चैप्टर को दो अलग अलग नाम क्यों दिया, इसके पीछे का रीजन क्या है? सिंपल सी बात है भाई, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ही तो आपके फ्लावर पाए जाते हैं, इस वजह से हमने इसको कह दिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म क्यों का, ये बात करते हैं, तो यहां पर हमने एम्ब्रियोलॉजी क्यों यूज किया, क्योंकि हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एक एम्ब्रियो बनता है जो आगे चल करके एक शिशु का विकास करता है, एक भ्रूण का विकास होता है जो आगे चल करके एक नए जीव का विकास करता है, इस वजह से हमने एम्ब्रियोलॉजी कर दिया। एम्ब्रियोलॉजी सबसे एक क्वेश्चन याद आया, वो क्वेश्चन ये है कि कौन से वैज्ञानिक को हम फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, हु इज द फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, ये क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन को यहां पर लिखते हैं और बताते भी हैं, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो बहुत कुछ नए पॉइंट्स को सीखने को मिलेगा, यानी कि बात करते हैं हम भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, भ्रूण विज्ञान के जनक। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, अन्यथा मैं तो बता दूंगा। तो अगर हम बात करते हैं फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी की, तो वैज्ञानिक है प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में प्रोफेसर पी महेश्वरी के नाम से, ठीक है, प्रोफेसर पी माहेश्वरी, पी माहेश्वरी नाम के एक वैज्ञानिक हैं जिन्हें हम फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर एक बार मैं आपको ऐसे ओरली एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है वो बता दूं, तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वो शाखा जिसमें भ्रूण के विकास की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है या पादप के जीवन चक्र का अध्ययन किया जाता है, उसे हम भ्रूण विज्ञान कहते हैं। समझ में आया? द ब्रांच डीलिंग विद द स्टडी ऑफ इवेंट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और द स्टडी ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट कॉल्ड
एम्ब्रियोलॉजी एंड द फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इज पंचानन महेश्वरी। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब अगर हम बात करते हैं, हम पुष्प की बात करते हैं, क्या हमने पुष्पी पादप में पढ़ना है ना, तो ये पुष्प क्या होता है, पुष्प की बात करते हैं। व्हाट इज द फ्लावर, हम फ्लावर की बात करते हैं, फ्लावर क्या होता है। अब आपके एनसीईआरटी के अंदर हम घुस रहे हैं और वहां से आपको समझाएंगे कि फ्लावर क्या होता है। बस हम इस क्लास में फ्लावर क्या होता है, फ्लावर क्यों आवश्यक है, उसमें कितने वर्ल होते हैं, इन सभी बातों को बताएंगे। ठीक है, चलिए फटाक से आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए ताकि ये भी आपके लिए उपयोगी हो सके। चलिए अगर हम बात करते हैं कि पुष्प क्या होता है, व्हाट इज द फ्लावर, फ्लावर की बात करते हैं, तो अगर आप बात करते हैं एनसीईआरटी बुक में जो फ्लावर दिया गया है वो इस प्रकार से दिया गया है। रफली डायग्राम है, ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है। पार्ट का नाम आपको बताऊंगा और आपको अच्छे से सब पॉइंट क्लियर भी हो जाएंगे। चलिए ये फ्लावर है और अगर हम बात करते हैं फ्लावर होता क्या है, तो सबसे पहले उसको जानते हैं। किसी भी प्लांट के अंदर फ्लावर लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। किसी भी प्लांट के अंदर जो फ्लावर होता है वो लैंगिक जनन को प्रदर्शित करता है। जितने भी पुष्प होते हैं वो सभी क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम अगर लिखना चाहते हैं फ्लावर क्या है, तो पुष्प पादप का, पुष्प पादप में सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो लैंगिक जनन को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो फ्लावर क्या है, फ्लावर इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट दैट रिप्रेजेंट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट रिप्रेजेंट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बातें समझ में आई, उसमें क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है पौधे का और लैंगिक जनन को प्रदर्शित करता है। इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए अभी अगर हम बात करते हैं इस पुष्प में अलग अलग भाग के नाम क्या है, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं ये जो आपका पत्ता के जैसा दिखाई दे रहा है बड़ा सा, तो ये आपका कलरफुल होता है। और कलरफुल क्यों होता है, रंग बिरंगा क्यों होता है, ताकि ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। ये सारे कीट जो होते हैं वो आकर्षित होते हैं पुष्पों की ओर। उसके पीछे का कारण ये है, जो इसका पेटल यानी कि पंखुड़ी है वो रंग बिरंगा होता है। तो अगर हम बात करते हैं इसका नाम क्या है, तो भाई ये जो है आपका पेटल है, पेटल यानी कि पंखुड़ी है। बात समझ में आई, ये पंखुड़ी है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर यहां पर देखेंगे तो आप एक अलग ही संरचना दिखाई दे रही है आपको, नीचे गोला सा है, ऊपर खूब लंबा सा सुराही के जैसा दिखाई दे रहा है। तो अगर हम बात करते हैं तो जिसमें तीन पार्ट हैं, तो नंबर एक पर अगर हम ऊपर की ओर बात करते हैं तो ऊपर की ओर आपको मिल जाएगा स्टिग्मा, जिसको हम कहते हैं वर्टिका। नीचे आपको मिल जाएगा स्टाइल, इसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र।
सबसे नीचे का जो फुला हुआ भाग है इसको हम कहते हैं ओवरी, ओवरी यानी कि अंडाशय। जस्ट एक मिनट आप वेट करिए, हम थोड़ा सा चेक करते हैं पूरा स्क्रीन पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए अच्छी बात है, आ रही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नीचे, हम बात करते हैं तो नीचे भी आपको एक संरचना दिखाई दे रही है और इस संरचना को हम सेपल कहते हैं, जिसको हम बाह्य दल कहते हैं। समझ में आया? उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पर एक संरचना दिखाई दे रही है, इस संरचना को हम क्या कहते हैं? देखिए ये सबसे ऊपर दिख रहा है, इसको हम कहते हैं एंथर, एंथर यानी कि परागकोश। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नीचे एक लंबी सी संरचना दिखाई दे रही है डंडे के आकार की, इसको हम कहते हैं फिलामेंट, इसको हम कहते हैं डंठल तंतु। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये एंथर यानी कि परागकोश और ये डंठल तंतु तो आपस में जहां पर जुड़े होते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, यानी कि इसे हम कहते हैं कनेक्टिव, जिसको हम कहते हैं संयोजी या योजी कहते हैं। ये तो आपके पुष्प के भाग हो गए। अब इन पुष्प में कौन सा भाग क्या है, कौन सा मेल भाग है, कौन सा फीमेल भाग है, कौन सा एसेसरी है, कौन सा आपका नॉन एसेसरी है, इसेंशियल है, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपके ये जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है, ये तीनों मिलाकर के एक भाग बनाती है जिसको हम गाइनोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? गाइनोसियम कहते हैं, यानी कि जायांग कहते हैं, और ये पुष्प का मादा भाग होता है। समझ में आया? जिसको हम पिस्टल भी कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इधर संरचना, जो एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट है, ये सभी मिलकर के एक आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का निर्माण करती है, जिसको हम आपका क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो एंड्रोसियम का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये आपकी जो पंखुड़ी है, ये आपकी सहायक भाग है, सहायक चक्र में आता है। सेपल ये भी आपके सहायक चक्र में आता है। तो अभी हमने ये आपको बता दिया कि कौन सा मेल पार्ट है, कौन सा फीमेल पार्ट है। दो ही चीजें आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है यहां पर, दोनों के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है, मेल भाग और फीमेल भाग। तो मैं आशा करता हूं कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी अगर हम आपको बता दें कि आपका जो मेल भाग होता है वो क्या होता है, तो एंथर, कनेक्टिव, फिलामेंट मिलकर के ये मेल भाग का निर्माण करते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिलकर के आपके फीमेल भाग का निर्माण करते हैं। तो फटाक से आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए ताकि हम आगे की पॉइंट को आपको अच्छे से समझा सके। चलिए अब अगर हम बात करते हैं तो आपके पुष्प में दो प्रकार के चक्र पाए जाते हैं, दो वर्ल पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फ्लावर वर्ल की, फ्लावर वर्ल की बात करते हैं यानी कि पुष्प चक्र की बात करते हैं, तो पुष्प में क्या होते हैं, दो प्रकार के चक्र पाए जाते हैं। एक आपका इसेंशियल हो जाता है, एसेंशियल वर्ल, जिसको हम कहते हैं आवश्यक चक्र, आवश्यक चक्र कहते हैं, और वहीं पर दूसरे नंबर पर आपका नॉन एसेंशियल या फिर एसेसरी वर्ल आ जाता है, एसेसरी वर्ल, जिसको हम कहते हैं आपका सहायक चक्र, सहायक चक्र कहते हैं, नॉन एसेंशियल वर्ल्ड कहते हैं। तो बात ये आती है कि आपके एक पुष्प में जो हमने इस प्रकार से बनाया था ये पुष्प, इस पुष्प में कौन सा एसेंशियल है और कौन सा नॉन एसेंशियल है, अगर हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल की हम बात करते हैं तो कौन सा एसेंशियल हो जाएगा, कौन सा नॉन एसेंशियल हो जाएगा, ये पुष्प देख करके आप समझ जाओगे। अगर हम बात करते हैं एसेंशियल की, तो एसेंशियल का मतलब होता है कि ऐसे फ्लावर के ऐसे पार्ट यानी कि पुष्प के ऐसे भाग जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करें, यानी कि लैंगिक जन्म में भाग लेते हैं उसको हम एसेंशियल कहते हैं, और ऐसे पार्ट जो
आपको केवल और केवल पुस्तक को एक सपोर्ट प्रोवाइड करें, एक सहारा प्रदान करें, उसको हम नॉन एसेंशियल यानी कि एसएसबी वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। तो यहां पर अगर बेटा हम बात करते हैं तो आपके दो पार्ट ऐसे हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए काफी ज्यादा जरूरी होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जस्ट अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो ये होता है एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट मिलकर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिलकर के बनाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं जो एसेंशियल वर्ल्ड होते हैं वो क्या होते हैं, देखो भाई एसेंशियल वर्ल्ड में दो चीजें आती हैं। नंबर एक पर अगर हम बेटा बात करते हैं तो नंबर एक पर आपका मिल जाएगा एंड्रोसियम। क्या मिल जाएगा? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या होता है? एंड्रोसियम इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एंड्रोसियम को हिंदी में कहते हैं उमंग। उमंग याद रखिएगा। दूसरा जो होता है आपका वो होता है गाइनोसियम। क्या होता है? गाइनोसियम। गाइनोसियम यानी कि जायांग, जायांग। बस मैंने आया। एंड्रोसियम क्या है? तो एंड्रोसियम के अंदर आपके ये मिल जाएंगे, ठीक है, स्टामेन का ग्रुप जो होता है वो एंड्रोस्टिन कहलाता है। अभी हम आपको सबको समझाते हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं एसेसरी की, जिसको हम कहते हैं सहायक चक्र की, तो सहायक चक्र में अगर हम पहले नंबर पर बात करते हैं तो यहां पर मिल जाएगा आपको कैलिक्स। क्या मिल जाएगा? कैलिक्स मिल जाएगा। और कैलिक्स होता क्या है भाई? कैलिक्स का मतलब होता है बाह्य दल। क्या होता है? सॉरी, कैलिक्स मतलब क्या होता है आपका? जस्ट एक मिनट, हाँ सही, कैलिक्स का मतलब होता है बाह्य दल। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं बेटा यहां पर, तो दूसरे नंबर पर आपको कोरोला मिल जाता है। कोरोला का मतलब होता है ये आपके जो दलपुंज होते हैं, दलपुंज का मतलब ये जो पंखुड़ियां होती है इसे हम दलपुंज कहते हैं, कोरोला, दलपुंज ये होती है। तो अब अगर हम बात करते हैं एक एक तो अच्छे से समझ लें, एंड्रोसियम क्या होता है, गाइनोसियम क्या होता है, कैलिक्स क्या होता है, कोरोला क्या होता है, ठीक है, ये बातें भी जानना जरूरी है। लिखना तो है नहीं क्योंकि आपने क्लास इलेवन में पढ़ लिया है, एक एक को ऐसे ही समझ लीजिए। अगर हम बात करते हैं एंड्रोसियम की, तो एंड्रोसियम क्या है? ये क्या है? आपका एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। चलिए हम आपको लिख करके समझाते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से और समझ में आए। एक एक लाइन की भाग है। चलिए अगर हम बात करते हैं एंड्रोसियम की, यहां पर लिखता हूं मैं एंड्रोसियम क्या है? एच मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये क्या होता है? ग्रुप होता है, ग्रुप होता है स्टामेन का। या लिख सकते हैं इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टामेन, इट इज ए ग्रुप ऑफ स्टामेन। यानी कि हम बात करते हैं जो आपका पुमंग होता है वो नर जनन अंग होता है, पुमंग नर जनन अंग होता है, नर जनन अंग होता है, और यह पुंकेसरों का, सॉरी, और यह पुंकेसरों का समूह है, और यह पुंकेसरों का समूह है। बस समझ में आई? पुंकेसरों का क्या है? समूह है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं आपके गाइनोसियम की, तो गाइनोसियम क्या है? तो हम कह सकते हैं कि गाइनोसियम, गाइनोसियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और ये ग्रुप क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ कार्पेल्स होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ कार्पेल्स होता है। इट इज ग्रुप ऑफ कार्पेल्स। यानी कि हम बात करते हैं कि जो आपका गाइनोसियम होता है मादा जनन अंग होता है, यह मादा जनन अंग होता है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो स्त्री केसर के समूह को हम स्त्री केसर
के समूह को जायांग कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? इस तरीके से समूह को क्या कहते हैं हम? जायांग कहते हैं। अगले पॉइंट की अगर बेटा बात करते हैं तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा आपका? कैलिक्स, जो आपके एसेसरी वर्ल्ड में होता है। तो कैलिक्स क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ सेपल होता है जिसको हम कैलिक्स कहते हैं, यानी कि हम बात करते हैं तो बाह्यदल के समूह को। ये बाह्यदल हिंदी में भी कहेंगे कैलिक्स को, और वैसे तो अगर हम बात करते हैं जो आपके सेपल होते हैं ना, सेपल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? आपके कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, सेपल के ग्रुप को हम कैलिक्स कहते हैं। और ये बाहर की ओर से अगर किसी पुष्प में देखें तो सबसे पहला वर्ण होता है। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं इसको? इट इज एसेसरी वर्ण, इट इज एसेसरी वर्ण एंड ग्रुप ऑफ सेपल। ये सहायक चक्र है और बाह्यदल का समूह होता है। देखो, बाह्यदल का समूह हम बाह्यदल कहते हैं, या फिर हम बात करते हैं इसको हम बाह्यदल कहते हैं। ठीक है, ग्रुप नहीं लगा सकते इसमें। एंड इट इज आल्सो नोन, एंड इट इज कॉल्ड सेपल, और इसे हम सेपल भी कहते हैं। तो हम बात करते हैं ये पुष्प में सहायक चक्र होता है जिसे सेपल कहते हैं, यानी कि बाह्यदल कहते हैं ये हिंदी में। आइए हम बात करते हैं कोरोला की। कोरोला क्या होता है? देखिए, ध्यान से समझिएगा, हम एक पॉइंट को बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके मन में कोई भी डाउट बच ही ना सके। अगर हम बात करते हैं कोरोला की, तो कोरोला क्या होता है? तो ये भैया आपका ग्रुप ऑफ पेटल होता है, यानी कि पंखुड़ी का समूह होता है। तो हम कह लें इट इज आल्सो एसेसरी वर्ण। ठीक है, एंड द ग्रुप ऑफ पेटल, यह भी सहायक चक्र है, और पंखुड़ी का समूह होता है। बात समझ में आई? तो इतने पॉइंट को आप फटाक से नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। आपको हमने ये समझा दिया कि जो पुष्प होते हैं उसमें दो चक्र होते हैं, एक एसेंशियल, एक एसेसरी। एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, एसेसरी का मतलब होता है सहायक। तो एसेंशियल में हमने दो चीजें बता दिया, एंड्रोसियम गायनोशियम। एंड्रोसियम क्या होता है? तो ये आपके नरजनन अंग होते हैं, पुंकेसरों के समूह होते हैं। गायनोशियम की बात करते हैं तो गायनोशियम क्या होता है भाई? आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और इसको हम स्त्री केसर का समूह कहते हैं। कैलिक्स की बात करते हैं जिसको हम बाह्यदल कहते हैं, तो इसमें हम बात करते हैं कैलिक्स आपका सहायक चक्र है पुष्प में, और इसको हम सेपल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कोरोला की बात करते हैं जिसको हम दलपुंज कहते हैं, ये रंग बिरंगा होता है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सहायक होता है, और ये भी क्या है? आपका एसेसरी वर्ल है, और इसको हम ग्रुप ऑफ पेटल के नाम से जानते हैं। इतनी बातें समझ में आई? अच्छे से, बढ़िया है। आप फटाक से इसको नोट कीजिए। चलिए अब अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर, पुष्प के प्रकार की हम बात करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पुष्प के प्रकार की वर्ल के बेसिस पर करते हैं, वर्ल के आधार पर बात करते हैं, तो नंबर एक अगर हम बात करते हैं तो कंप्लीट फ्लावर, और नंबर दो इनकम्प्लीट फ्लावर, पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प। पूर्ण पुष्प की अगर हम बेटा बात करते हैं तो पुष्प में पुष्प चक्र सभी पाए जाते हैं, चारों वर्ण पाए जाते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम, पुंकेसर, स्त्री केसर,
और बायदल पंखुड़ी, ये सभी अगर किसी पुष्प में पाए जाते हैं तो उसको हम कंप्लीट पुष्प कहेंगे, कंप्लीट फ्लावर कहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनकम्प्लीट, तो कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम में से कोई भी एक वर्ल अगर ऑब्सेंट है, कौन? कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, पुंकेसर, स्त्री केसर, पंखुड़ी और बाह्य दल में से कोई भी एक अनुपस्थित है तो उसको हम इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे। ये तो हो गया वर्ल के बेसिस पर फ्लावर, दो प्रकार के, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पर और भी दो प्रकार के फ्लावर होते हैं, ठीक है। नंबर एक पर आ जाता है यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि हम बात करते हैं एकलिंगी पुष्प, एकलिंगी पुष्प और बाईसेक्सुअल फ्लावर, बाईसेक्सुअल फ्लावर, इसको हम कहते हैं द्विलिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प। देखिए एक एक लिंगी का मतलब क्या होता है कि चाहे तो नर हो, चाहे यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, चाहे नर या चाहे मादा, दोनों में से कोई एक रिप्रोडक्टिव पार्ट यदि किसी फ्लावर में प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और यदि वहीं पर हम बात करते हैं दूसरी ओर, अगर बात करते हैं कि कोई फ्लावर है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों पाए जाए, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बाईसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। थोड़ी सी अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल मैचिंग मैचिंग होगा। यहां पर कंप्लीट फ्लावर की बात करते हैं तो कंप्लीट फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों पाए जाएंगे, इसका मतलब ये बाईसेक्सुअल हो जाएगा। तो एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जांपल में आपको हिबिस्कस यानी कि गुड़हल मिल जाएगा, कंप्लीट फ्लावर में गुड़हल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? रोज आ जाएगा यानी कि गुलाब आ जाएगा, ठीक है, पी प्लांट यानी कि मटर का पौधा आ जाएगा कंप्लीट फ्लावर में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनकम्प्लीट में, तो इनकम्प्लीट में आपको पंपकिन यानी कि कद्दू मिल जाएगा, पपाया यानी कि पपीता मिल जाएगा, वाटरमेलन यानी कि तरबूज मिल जाएगा, बीटल डाउन, ये सभी आपके जाते हैं इनकम्प्लीट या फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आई होप इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए हम बात करते हैं कुछ दो चार क्वेश्चंस की, जो मैंने आपको कहा था कि आपको कर पर क्लास के इनमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे जिसका आंसर आपको देना है। चलिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन ये है कि जो मैं लिखता हूं, विच वन इज द यूनिसेक्सुअल, विच वन इज द यूनिसेक्सुअल फ्लावर, कौन सा एक लिंगी पुष्प है, कौन सा एक लिंगी पुष्प है? तो आपको एग्जांपल में दिया जा रहा है आपको ऑप्शन, नंबर ए हिबिस्कस, हिबिस्कस यानी कि गुड़हल, नंबर बी रोज यानी कि गुलाब, नंबर सी पी प्लांट मटर का पौधा, नंबर डी आपको दिया जा रहा है पंपकिन कद्दू। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा आपका यूनिसेक्सुअल है। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे क्वेश्चन पे हो जाएगा कि विच वन इज द सेक्सुअल पार्ट ऑफ ए प्लांट, निम्न में से कौन सा लैंगिक भाग है पौधों में, ठीक है, या फिर कर सकते हैं पौधों में लैंगिक भाग कौन है? तो ऑप्शन है नंबर ए आपका एंड्रोसियम, नंबर बी गाइनोसियम,
एक मिनट, मेल सेक्सुअल पार्ट, नर लैंगिक भाग, नर लैंगिक भाग कौन सा है? यानी कि बात कर रहे हैं कि किसी पौधे में जो नर लैंगिक भाग होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है? तो एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलेक्स, डी कोरोला। यानी कि हम बात करते हैं तो ये आपका उमंग हो जाएगा, जायांग, वायदल, पंखुड़ी। इसमें से कौन सा आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है? तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा कि पुष्प में कितने प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ण प्रेजेंट इन फ्लावर। पुष्प में कितने प्रकार के चक्र पाए जाते हैं, पुष्प में कितने प्रकार के चक्र पाए जाते हैं? नंबर ए दो, नंबर बी तीन, नंबर सी चार, नंबर डी पांच। कितने प्रकार थे? एक। जी कितने प्रकार के चक्र पाए जाते हैं? तीन क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले क्लास में हम कोशिश करेंगे कि 15 क्वेश्चन करें। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बने रहिए हमारे साथ बेहतरीन तरीके से बायोलॉजी पढ़ने के लिए, नीट की प्रिपरेशन और बोर्ड में काफी अच्छा नंबर प्राप्त करने के लिए। टाटा बाय बाय।